बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाने में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मुर्ग। मैंने आधा किलो हड्डी वाला चिकन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये हड्डी वाला मज़ेदार बनता है। नाम शाही है तो होप सो फ्लेवर भी बहुत शाहाना होगा। तो उसके साथ साथ हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर दही डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून दही डालूंगा मैं, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, इनको हल्दी नहीं डाली, हाँ नहीं सॉरी हल्दी भूल गया, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि गर्मी है, बाहर ख़राब ना हो जाए। तो इसको हम ढककर और हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और तब तक हम इसका दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। मेरे पास 7 बादाम हैं और मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इससे हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। जी दोस्तों, तो देखते हैं पेस्ट रेडी है, तो अब हम कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एक पतीली ले लेंगे, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, ये वो कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे, और इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे जो मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था। इसे हम 2 मिनट के लिए तेज़ आग पर हम भून लेंगे, पका लेंगे। आग में तेज़ कर लेता हूँ। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हम डालेंगे जो हमने बनाया था टमाटर और प्याज वाला, वो डाल के हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। आग फ्रेंड मैंने थोड़ी कम कर दी है ताकि मसाला जले नहीं, मीडियम कर दी आग मैंने। जी दोस्तों, मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, तो हम इसको मज़ीद नहीं भुनेंगे। इसमें हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 150 ml वाला कप था ये, और हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके हल्की आग पर पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए, और फिर उसके बाद हम जितनी ज़रूरत होगी उतना इसको ड्राई कर लेंगे। तो इसको कवर कर देते हैं और हम 10 मिनट के बाद दोबारा इसको चेक करते हैं। जी दोस्तों, तो देखते हैं, चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा है और चिकन ऑलमोस्ट पकने के करीब ही है। तो हम ऐसा करते हैं, अब हम आग को तेज़ कर देते हैं और इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमारी पसंद की कंसिस्टेंसी आ गई है। हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून क्रीम डाल देंगे, क्योंकि क्रीम इसको मज़ीद गाढ़ा करेगी, और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हरा ताज़ा कटा हुआ। तो इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो क्रीम डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। तो हमें हल्का सा ग्रेवी और सॉस ही चाहिए, तो बस हम इसको 1 मिनट के लिए पकाते हैं। जी देखें दोस्तों, हमारा शोरबा जो गाढ़ा होने लगा है, तो अभी इसमें हम एक बॉयल आने का वेट करते हैं। तो मैं इसको मज़ीद मिक्स करना छोड़ देता हूँ और इसमें एक बॉयल आने का वेट करते हैं और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी दोस्तों, इसमें बॉयल आने लगा, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार सी शाही मुर्ग रेडी है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। फ्लेवर इफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बनी।